वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और आज मैं काफ़ी टाइम के बाद आपके लिए एक फेस टू फेस वीडियो लेके आई हूं। बिकॉज मेरी शादी की वजह से मैं शूट नहीं कर पाई काफ़ी टाइम से, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मेरा फेवरेट वीडियो रेसिपी, जो आज हम बनाने वाले हैं टूटी फ्रूटी ब्रेड केक की रेसिपी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आती है ये रेसिपी, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह से मेरा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। फाइनली मैंने अपना जो 1 लाख सब्सक्राइबर्स का यूट्यूब की तरफ से जो सिल्वर मेडल आता है वो अचीव कर लिया है। उसका वीडियो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी कि वो क्या होता है, कैसे अचीव किया जाता है और यूट्यूब आपको क्या भेजता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल्दी से। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे और उसमें 1 कप दही ऐड करेंगे। और साथ में 1 कप ही मैंने लिया है शुगर, वो ऐड करेंगे और इसको विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे। बस हमें इसको उतना ही मिक्स करना है जितना कि शुगर दही में अच्छे से मिक्स हो जाए, बस ज्यादा मिक्स नहीं करना है। और इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे हम, क्योंकि हमें चाहिए कि दही पे जो है वो एयर बबल्स आनी चाहिए। तो 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पे एक प्लेट में मैदा लिया है और इसमें हम डालेंगे अपना टूटी फ्रूटी। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये स्टेप करना फ्रेंड्स इसके लिए जरूरी है क्योंकि जब हम टूटी फ्रूटी को केक में मिक्स करेंगे तो बेक करते टाइम ये सारी की सारी तले में जाके बैठ जाती है, तो ऐसा ना हो और ये पूरे केक में इवनली स्प्रेड हो, इसके लिए ये स्टेप करना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए मैंने टूटी फ्रूटी को अच्छे से कोट कर दिया है और अब मैं इसी में ये मैंने चेरी ली है जिसको अच्छे से कट कर लिया है। आप किशमिश या कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो आप वो भी ऐड कर सकते हो इसमें। ओके, तो मुझे थोड़ा सा मैदे की कमी लग रही है तो मैं इसमें से 1 स्पून मैदा और ऐड कर रही हूँ इसमें। अब ये तले में नहीं बैठेगी और हमारे केक में इवनली स्प्रेड होगी। और मैदा जो फ्रेंड्स आप यूज करें वो अच्छे से 2 से 3 बार छान ले, क्योंकि उससे जो एयर इनकॉर्पोरेट होती है उससे हमारा केक जो है वो बहुत अच्छा फूलता है। ओके, तो ये कोटिंग हो चुकी है तो इसको अब हम साइड में रख देते हैं। और लगभग 5 मिनट हो चुके हैं दही को छोड़े हुए और इसमें ये देखिए बबल्स आ चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/2 टेबल स्पून। बेकिंग सोडा मैंने ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून और साथ में हम ऐड करेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। दोनों चीजें ऐड करनी जरूरी है फ्रेंड्स, और जितना सोडा हम ऐड करेंगे उससे डबल हमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करते ही दही में एयर बबल्स और ज्यादा आ गए हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे मैदा ऐड करेंगे। 2 पार्ट्स में हमें मैदे को ऐड करना है, सीधा डायरेक्टली ऐड नहीं करना है पूरा का पूरा मैदा, थोड़ा थोड़ा करके हम मैदे को ऐड करेंगे। तो अभी ये इससे नहीं होगा, इस तरह का एक स्पून ले और पूरे मैदे को अच्छे से इसमें
मिक्स करना है। फ्रेंड्स एक्चुअली आज यहाँ का मौसम बहुत ही बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो हो सकता है आपको वीडियो में थोड़ा सा डार्कनेस नज़र आए, बट नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा सा और लाइटिंग में वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो ये ऐड हो चुका है उतना मैदा इसमें, तो अभी हम बाकी बचा हुआ मैदा भी इसमें ऐड कर देते हैं। सबसे एंडिंग में हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन बटर क्या होता है फ्रेंड्स, केक पकने के बाद में बटर जो है वो केक में जम जाता है, तो फिर वो ठंडा होने के बाद में खाने में उतना टेस्टी नहीं लगता है। ऑयल को अच्छे से मिक्स करेंगे, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो। तो बैटर फ्रेंड्स ऑलमोस्ट रेडी है, सब कुछ हमने इसमें मिक्स कर लिया है। ओके, और इसकी ये देखिए बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी हो चुकी है इसकी। तो अब हम सबसे एंडिंग में जो हमारा मेन पार्ट है वो ऐड कर देंगे इसमें। बस इसको सिर्फ मिक्स करना है फ्रेंड्स। ये मैंने बहुत बार ट्राई किया फ्रेंड्स, काफी बार मुझसे मिस्टेक्स हुई, सही नहीं बना ये केक, बट काफी बार की मेहनत के बाद मैंने इसको फाइनली सही बना लिया था। आप इसमें कोई भी तरह के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। तो बैटर रेडी है, इसको अभी साइड में कर देते हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी, ये लिया है मैंने केक्टिन, और केक्टिन को थोड़ा सा ऑयल डाल के हम ग्रीस करेंगे। और आप चाहो तो बटर पेपर का भी यूज कर सकते हो, पर ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। और अगर फ्रेंड्स अगर आपका केक बहुत अच्छे से बेक होता है तो आपको बटर पेपर की भी जरूरत नहीं रहेगी, केक बहुत इजीली बाहर निकल आएगा। तो उसके लिए मैंने ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है। प्री हीट करना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा 1 टेबल स्पून के करीबन मैदा डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बटर पेपर नहीं है, तो थोड़ा सा मैदे की एक थिक सी लेयर इस तरह से अपने हाथों से आप अप्लाई कर दीजिए, ताकि जो केक है वो इजीली निकल के आ जाए, नीचे लगे नहीं। ओके, तो बिल्कुल थिक सी लेयर अप्लाई कर दी है मैंने इसमें। तो केक्टिन को ये देखिए हमने प्रिपेयर कर लिया है अच्छे से, और अब मैं इसमें डालूंगी वनीला एसेंस, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली केक में फ्लेवर इसी की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मिनिमम 2 से 3 ड्रॉप हम इसमें इतना डालेंगे, बस इतना बहुत होता है, जस्ट फ्लेवर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये फ्रेंड्स आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा।
तो इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तो अब हम इसे अपने कैंटीन में ट्रांसफर कर देते हैं। मैंने फ्रेंड्स थोड़ा सा कम क्वांटिटी में बनाया है, जबकि मेरा मोर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मेरे घर में एक्चुअली खाने वाले मेंबर्स बहुत कम है, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम क्वांटिटी में बनाया है। बट आप इसके लिए कोई भी तरह का मोल्ड यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और इसको अपने पूरे कैंटीन में अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, क्योंकि ये बेक होने के बाद में अच्छे से फूलेगा। ओके फ्रेंड्स, केक बनके बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको 30 मिनट तक 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन में अच्छे से पकाया है। तो अभी मैं आपको इसको चेक करके बताती हूँ। एक नाइफ लीजिए और इसको केक के बिल्कुल बीच में डालिए। देखिए, इस तरह से अगर आपका नाइफ क्लीन आता है तो इसका मतलब है कि आपका केक बनके बिल्कुल रेडी है। और ये बिल्कुल वही स्पंजी केक है, बहुत अच्छा स्पंज आया है इसका। ये देखिए अच्छे से फूल चुका है ये। तो अभी हम इसको ठंडा होने देते हैं, क्योंकि अगर हम गरम गरम इसको बाहर निकालेंगे तो ये थोड़ा टूट जाएगा। तो अभी हम इसको एक जाली पे, जिसमें इसको दोनों तरफ से हवा लगे, उसमें इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसके कॉर्नर, केक अच्छे से बेक हो जाता है तब ये जो मोल्ड होता है उसके कॉर्नर को छोड़ देता है। ठीक, तो अभी मैं इसको एक जाली पे निकाल लेती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल भी कहीं से भी ये टूटा नहीं है। एक्चुअली ये बहुत गर्म है, तो इसको मैं क्या करूँगी कि इसी तरह से ये ग्लव्स की हेल्प से मैं इसको इस तरह से पलट दूंगी। ओके, तो देखिए केक बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम इसको ठंडा होने देते हैं और उसके बाद हम इसको कट करेंगे। केक अभी पूरा अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अभी मैं इसको आपको कट करके बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल सेम अंदर से आप देखिए, जैसे हम ब्रेड केक लेके आते हैं वैसे ऊपर से क्रंची और अंदर से बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट केक बनाया है एकदम से। ये देखिए, तो इसी तरह से आप इसके बहुत सारे स्लाइसेस कट करके रख सकते हो, या फिर केक पीस कट करके भी वैसे खा सकते हो। मेरा मोल्ड एक्चुअली थोड़ा ये वाले शेप का था, इसलिए मैंने ये यूज किया। अगर आप जो स्क्वायर शेप का यूज करोगे तो आपका बिल्कुल ब्रेड कटिंग कटेगा। तो जैसे इस तरह से किसी भी तेज धार वाले चाकू से आप इस तरह से इसको कट कर लीजिए। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली केक बनके रेडी है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।